फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर मिलेंगे वो रहेंगे कि आपको कॉमन डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। आपको केवल पूछेगा कि आप कॉमन डिस्टेंस फाइंड आउट करके बताइए कि आपको एक गिवन सीक्वेंस दिया हुआ है और सीक्वेंस में आप बताएं कि कॉमन डिस्टेंस क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है, देखिए कॉमन डिस्टेंस की जब हम बात करेंगे तो कॉमन डिस्टेंस होता है डी इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन, राइट। ये कंडीशन होती है कॉमन डिस्टेंस की, यानी कि आप देखेंगे लास्ट यानी प्रीवियस टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे, ये टी है भाई टी वन। तो अगर आपके पास इस तरीके से अगर आप कर पाएंगे तो आपको हर एक टर्म का देखना है कि कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो देख लेते हैं, जब हर एक टर्म का कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो वो एपी है, ये तो रही एपी की कंडीशन। अगर वो केवल कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है तो थर्ड वाले टर्म से सेकंड वाले को माइनस कर सकते हैं और सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को माइनस कर सकते हैं, ये करके हम जो बता सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस इसका ये होने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए पहला तो मैं क्या करने वाला हूँ, वन माइनस पी मेरे पास सेकेंड टर्म है और केवल वन अपॉन पी जो है वो फर्स्ट टर्म है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, इनको एलसीएम लिया तो ये पी आ गया, यहाँ से मिलेगा मेरे को वन माइनस पी माइनस वन से ये वन कैंसिल आउट होगा, माइनस पी अपॉन पी आएगा, माइनस पी अपॉन पी आने वाला है तो पी से पी कैंसिल आउट होगा, यानी कि आपका माइनस वन आएगा। तो पहले का जो आंसर होगा वो होगा सी, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि माइनस पी माइनस वन आपका आंसर आ रहा है, ओके। अब सेकेंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि कॉमन डिफरेंस ऑफ द एप, देखिए इस वाले क्वेश्चन में भी आपको एपी पूछ रहा है, एपी की जो है कॉमन बात कर रहा है, तो सेम वही प्रोसेस है कॉमन डिफरेंस का कि वन माइनस थ्री बी अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन थ्री, ओके। दोनों का जब मैंने एलसीएम लिया तो आपको क्या मिला, थ्री, यहाँ पर वन माइनस थ्री बी माइनस वन, वन से वन कैंसिल आउट होगा सेम, तो माइनस थ्री बी अपॉन थ्री, तो एक ये कैंसिल आउट हुआ तो आपका जो आंसर आया वो आया माइनस बी, ठीक है। तो माइनस बी ही इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड को जब हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जब थोड़ा सा सोचने वाला यानी एज्यूम करना थोड़ा सा, देखें समझें कि माइनस सेवन है यहाँ पर, ओके, माइनस सेवन यहाँ पर है, माइनस ट्वेंटी एट, ओके, यहाँ पर है सिक्सटी थ्री, ये है, और डॉट 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 इसी तरीके से। तो नेक्स्ट टर्म पूछ रहा है फाइंड द एपी का जो जो सीक्वेंस है, आपको इस सीक्वेंस का नेक्स्ट टर्म क्या होने वाला है, तो यहाँ पर इसके बाद हमें बताना है कि इसका नेक्स्ट टर्म क्या होने वाला है। तो देखें, जब मैंने देखा कि यहाँ पर सेवन है तो सेवन को सेवन लिखूंगा कॉमा, तो क्या मैं इसे इस तरीके से नहीं लिख सकता, सेवन इंटू फोर, सेवन इंटू फोर लिख सकता हूँ, ओके। इसे मैं लिख सकता हूँ सेवन इंटू नाइन, क्या लिख सकता हूँ, सेवन इंटू नाइन। तो आने वाला जो टर्म आपको मिलेगा वो देखिए ये जो होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वन का स्क्वायर लगा लेंगे ये होता है टू का स्क्वायर, ये थ्री का स्क्वायर, तो यहाँ पर जो आने वाला है वो यानी कि सिक्सटीन होने आ रहा है। तो जब ये सिक्सटीन होगा है ना, तो यहाँ पर आपका जो आएगा अंडर रूट में वन वन टू, ये आपका आंसर रहेगा। तो आपका डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये इस जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा डी, ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है आपके पास, देखिए ये कह रहा है कि आपके पास x1 यानी कि 4 है कॉमा x1 कॉमा x2 कॉमा x3 और कॉमा 28 ये दे रखा है, तो आपको x3 बताना है कि x3 क्या होगा, क्लियर, x3 क्या होगा ये बताना है। आप समझ लीजिए, यहाँ पर पहली एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले आपको d पता होना चाहिए और a पता होना चाहिए, तो आप x3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले हम d और a फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखें हमारे पास क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव, ये हमारे पास फाइव टर्म दे रखे हैं, तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ आपको क्या कि टी फाइव इज इक्वल टू ए प्लस फोर डी, ये लिखने वाला हूँ, क्लियर। जब ए प्लस फोर डी लिखने वाला हूँ तो यहाँ पर आपको क्या मिला, यहाँ पर देखें यहाँ पर आपको क्या है कि एक्स फाइव टी फाइव जो है ट्वेंटी एट है, ए की वैल्यू हम देखें तो यहाँ पर आपको फोर है, प्लस फोर इंटू डी क्या होता है, डी जो होता है वो होता है देखिए पहले वाले सेकंड वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस कर देते हैं सिंपल, तो यहाँ पर आएगा एक्स वन माइनस क्या आएगा फोर, ये आ गया, ओके। यहाँ पर हमने देखा क्या, यहाँ पर ट्वेंटी एट है आपके पास, यहाँ पर हुआ फोर प्लस यहाँ पर हो गया फोर एक्स वन माइनस का, देखें यहाँ पर जब मैं इसको करूँगा तो माइनस का सिक्सटीन हो गया, ओके। जब मैंने इसको इससे माइनस किया तो देखें यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये ट्वेंटी एट 28 is equals to 4 x1 और यहाँ पर आएगा माइनस का 12, ओके। जब माइनस के 12 को मैं इधर लूंगा तो आपका ये प्लस हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा
40x1, तो इससे ये गया, तो आपको क्या बचा यहाँ पर 10 आया, तो x1 की वैल्यू आपको 10 मिली, क्या मिली x1 की 10। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपका क्या है यहाँ पर आपको 10, तो आप d की जब वैल्यू निकालेंगे तो d की वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा 10-4 यानी कि 6, ये वैल्यू मिल गई आपको d की वैल्यू मिली 6। तो आप इस फॉर्मूले में लगा लीजिए, आपको t यानी कि हमें जो फॉर्मूला होता है इसका कौन सा टर्म है ये देख लीजिए 1, 2, 3, 4, तो 4 टर्म की टर्म जो होता है वो होता है हमारे पास a प्लस 3d। तो a हमारे पास क्या है 4 प्लस 3 × 6, यही तो है। तो देखें यहाँ पर ये हो गया 18 और 18 प्लस 4 22, यानी कि ये आपका 22 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 22 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखें यहाँ पर क्या कह रहा है, इफ द nth टर्म ऑफ ap इज ये दे रखा है, यानी nth टर्म आपको ये दे रखा है, देन द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, तो आपको फर्स्ट थ्री टर्म का सम फाइंड आउट करना है। तो देखें nth टर्म आपको क्या दे रखा है 2n+1 दे रखा है, जब मैंने यहाँ पर 1 पुट किया तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2+1 यानी कि 3, जब यहाँ पर आपने 2 पुट किया यहाँ पर आपने क्या पुट किया 2, तो आपको मिलेगा 2 × 2+1 यानी कि 5। ओके, जब आपने 3 पुट किया तो यहाँ पर मिलेगा 2 × 3+1, ओके तो ये आपको मिला 7। ठीक, तो अब करना क्या है, फर्स्ट थ्री टर्म का ऐड कर लेना है, 10 और 15 हो गया, 15 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी 15 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, सम ऑफ एनी टर्म यानी कि सम की बात कर रहा है, ये आपको सम दे रखा है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट, सिंपल सा फंडा है। देखिए जब आपको सम दे रखा हो उसके लिए आपको करना क्या है, पहले टी एन फाइंड आउट करना है, टी एन फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है SN-1 - SN, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना पड़ेगा, ये आइडेंटिटी आपको बहुत यूज आने वाली है। तो जब मैंने आपको देखा यहाँ पर SN, तो देखें सम ऑफ एन नंबर दे रखा है ना, सम ऑफ एन टर्म, तो सम ऑफ एन यानी SN की वैल्यू आपको ये दे रखी है, इसमें n पुट कर दीजिए यहाँ पर, जब आपने देखा कि SN की वैल्यू आपको दे रखी है तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ SN-1 देखने वाला हूँ, तो SN-1 होगा 3n-1 होल स्क्वायर + 6n-1, ये आपकी वैल्यू हो गई। जब मैंने इसे एक्सपेंड किया तो ये वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी n² + 1 - 2n। ओके, यहाँ पर जो मिलेगा वो होगा 6n-1 ये अंदर, तो ये हो गया 3n² + 3 - 6n। बचा माइनस का, तो देखें 3n² - 3, ये वैल्यू आपको मिली किसकी, SN-1 की आपको वैल्यू मिल चुकी है। अब TN का फॉर्मूला जो होता है वो होता है SN-1 - SN, ये फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फंडा। अब आप क्या करना है, आपको करना ये है कि इसकी जगह पर इसे रखना है 3n² - 3 और इसकी जगह पर आपको ये वाली वैल्यू रख लेनी है। ठीक है, तो माइनस जब मैं करूंगा तो 3n² यहाँ होगा और माइनस में ये हो जाएगा -6n। ओके, जब मैंने क्या किया n² से n² कैंसिल आउट कर दिया तो आपको यहाँ पर वैल्यू जो मिली क्या मिलेगी -3 - 6n। ओके, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, जब आपको ये वैल्यू मिल जाएगी तो tn आप यहाँ पर 1 रख लीजिएगा, t1 रखेंगे तो आपको यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो माइनस का आपको कितना मिल जाएगा, माइनस का 9 मिल जाएगा। ओके, और दूसरा टर्म आप देखेंगे t2 आपको यहाँ पर 12-15 हो जाएगा, तो आपको जब मैं इससे इसको माइनस करूंगा तो -15 - -9, तो ये मैंने किया सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करूंगा तो -15 + 9 मिलेगा, तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगी -6 रहेगी, यानी कॉमन डिफरेंस रहेगा आपका 6। देखिए -6 हमारा आ रहा था क्योंकि हमारा टर्म एक्सचेंज हो गया होगा, यानी कि ये वाला टर्म यहाँ पर आएगा, ये वाला टर्म यहाँ होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको प्लस का 6 इसमें है तो प्लस का 6 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो आप इसे कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन है उसी तरीके से, इसमें चेंज करके देख लेंगे प्रॉपर्टी क्या है। देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है, मैं इसमें से एक क्वेश्चन को कर देता हूँ, आप सेकंड टर्म को खुद कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखें TN = है, मैं यहाँ पर आगे करके देखता हूँ, SN - 1 करके देख लेता हूँ, तो SN-1 जब मैं इसमें करूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा SN की वैल्यू क्या है आपके पास, SN की वैल्यू है 5n - n². ओके, जब मैंने इसमें किया तो यहाँ पर देखेंगे तो 5 यहाँ पर होगा, क्लियर, n-1 यहाँ पर आएगा। ओके, ठीक है, -- आपका प्लस हो जाएगा और n-1 का स्क्वायर हो जाएगा। जब मैंने इसको एक्सपेंड किया तो आपको जो वैल्यू मिलेगी 5n - n² -5n और प्लस का 5, ओके, यहाँ पर होगा n² + 1 - 2n। ये क्लियर हुआ आपका यहाँ तक,
ठीक है, एन स्क्वेयर से एन स्क्वेयर यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके, फाइव एन है यहाँ पर, फाइव एन से फाइव एन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो बचेगा वो रहेगा फाइव माइनस टू एन, ओके, ये वाली वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पर टी वन मैंने रखा, तो टी वन जैसे ही मैं रखूंगा यहाँ पर मुझे वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी फाइव इंटू टू एन वन, तो ये आपका जो वैल्यू मिलेगा वो थ्री रहेगा, और टू जैसे ही रखूंगा मैं यहाँ पर आप जब फोर हो जाएगा यानी कि वन मिलेगा। और जब ऐसी दो कंडीशन मिल जाएंगी तो ऐसी दो कंडीशन पर आप क्या करेंगे, ठीक है, एन टर्म पूछ रहा था भाई यहाँ पर, सामने वो कॉमन डिफरेंस नहीं पूछ रहा था, यहाँ पर पूछ रहा था एन ए टर्म, तो एन ए टर्म तो आप यहीं पे कह सकते हैं कि ये वाला टर्म एन एथ है, आपको जो एन ए टर्म है वो ये वाला टर्म है, एन एथ टर्म जो होगा वो ये होगा। अगर कॉमन डिफरेंस की बात करेगा तो टी टू माइनस टी वन कर दीजिएगा तो आपका आंसर जो आएगा वन माइनस थ्री यानी कि माइनस का टू, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा फाइव माइनस टू एन, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सिमिलर आप इसको एट वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब मैं देख लेता हूँ इस वाले क्वेश्चन को, नाइन वाले क्वेश्चन को, तो नाइन वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए, सेवन टर्म ऑफ ए बी माइनस वन है, तो यानी कि ए प्लस सिक्स डी इज इक्वल टू माइनस वन दे रखा है, ए प्लस सिक्स डी इज इक्वल टू माइनस वन, ये वन दे रखा है, क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। और सिक्सटीन टर्म जो आपको देखा है सेवनटीन दे रखा है, तो ये प्लस हो गया आपका ए प्लस फिफ्टीन डी इज इक्वल टू सेवनटीन, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब वो कह रहा है एनएस टर्म फाइंड आउट करिए, तो ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, एनएस टर्म अपने आप ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखें सेकंड वाले से फर्स्ट वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे सब्ट्रैक्ट इन सेकंड वर्सेस फर्स्ट, तो यहाँ सेकंड वर्सेस फर्स्ट करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगी पंद्रह से आप जब इसको सिक्स को माइनस करेंगे तो नाइन डी इज इक्वल टू, यहाँ पर इससे इसको माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा यानी कि एटीन हो जाएगा, और नौ से ये नाइन से ये गया तो एटीन, तो ये डी इज इक्वल टू टू मिला, डी इज इक्वल टू आपको टू वैल्यू मिलेगी। तो डी इज इक्वल टू जब टू मिला तो पुट इन फर्स्ट करेंगे, पुट इन फर्स्ट करेंगे तो फर्स्ट करने पर आपको क्या मिलेगा, ए प्लस सिक्स, सॉरी ए की वैल्यू क्या थी, कुछ नहीं थी, ए की वैल्यू निकालनी थी, तो ये ए रहेगा ए प्लस सिक्स डी, सिक्स इंटू टू, ओके इज इक्वल टू वन, ये था वो भी माइनस का, वो भी माइनस का वन, ठीक है, तो माइनस का वन है, ए इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया ट्वेल्व इज इक्वल टू माइनस वन, तो ये वैल्यू हुई, तो जब मैं इसे लूंगा तो ए इज इक्वल टू माइनस थर्टीन, ए इज इक्वल टू माइनस थर्टीन, तो ए इज इक्वल टू माइनस थर्टीन हुआ, तो आपको यहाँ पर ए और डी की वैल्यू मिल चुकी है, आपको यहाँ पर ए और डी की वैल्यू मिल चुकी है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है क्या टी एन, टी एन होता है ए प्लस सिक्स ए प्लस एन माइनस वन डी, ये होता है, तो ए आपके पास है आपका, ए आपके पास है माइनस थर्टीन, प्लस एन आपके पास नहीं है, डी आपके पास है माइनस टू, यहाँ पर हुआ माइनस का थर्टीन माइनस टू एन प्लस टू, ओके, तो ये हुआ, तो ये आपकी जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी माइनस का इलेवन और माइनस इलेवन और माइनस टू एन, ये आपको वैल्यू मिलेगी, तो माइनस का इलेवन और माइनस का टू एन ये वैल्यू मिलेगी, तो वो होगी आपकी टी एन, ठीक है। ये देख लीजिए आपको कौन सा क्वेश्चन मिल रहा है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और यहाँ पर थर्टीन जो है पॉजिटिव आना चाहिए भाई, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, तो मैं इससे इसको माइनस करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एटीन आया, टू आ गया पॉजिटिव, टू पॉजिटिव आया यहाँ पर, और टू पॉजिटिव रखा यहाँ पर ट्वेल्व हो जाएगा, ए प्लस सिक्सटीन, तो सिक्स इंटू टू ट्वेल्व हो गया, ट्वेल्व यहाँ पर लिया तो माइनस हो गया माइनस थर्टीन, तो माइनस थर्टीन यहाँ पर आया टी एन, तो ए इक्वल टू माइनस थर्टीन और एन माइनस वन डी, एन माइनस वन डी, तो आपके पास जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं, तो माइनस का टू कहाँ था, यहाँ प्लस का टू था भाई, ये प्लस का टू है भाई, प्लस का टू, तो टू का मल्टीप्लाई जब मैं करूँगा यहाँ पर टू है, तो यहाँ पर देखिए आपको ये क्वेश्चन कुछ गलत हो गया था, यहाँ पे ये प्लस का टू है, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई थी, इसमें प्लस का टू है, यहाँ पर माइनस का है, तो देखें ये प्लस का टू है, तो जब मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा, ओके, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, टू एन माइनस फिफ्टीन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो टू एन माइनस फिफ्टीन जो है राइट आंसर, ये वाला डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, टू एन माइनस फिफ्टीन, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर टेन को, क्वेश्चन नंबर टेन क्या कह रहा है देखें, क्वेश्चन नंबर टेन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर टेन में क्या कह रहा है आपको, फिफ्थ टर्म ऑफ ए पी इज ये रखा है, फिफ्थ पांचवा टर्म जो है आपको थ्री रखा माइनस का, तो देखें ए प्लस फोर डी इज इक्वल टू माइनस थ्री, ओके, कॉमन डिफरेंस आपको क्या दे रखा है माइनस फोर, तो कॉमन डिफरेंस आपको माइनस फोर दे रखा है, तो सम पूछ रहा है कि क्या होगा, देखिए सम ऑफ फर्स्ट टेन टर्म कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट टेन टर्म कह रहा है,
देखिए कॉमन डिफरेंस आपको देखा माइनस फोर, तो यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस सिक्सटीन हो जाएगा, और माइनस सिक्सटीन हो जाएगा माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू माइनस थ्री। तो जब मैं इसे इधर लूंगा तो आपको मिलेगा ए इज इक्वल टू थर्टीन। ई की वैल्यू आपके पास है, डी की वैल्यू आपके पास है, रख दीजिए किस में, एस एन में। तो एस एन जो होता है, एस एन जो होता है, देखें अभी मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। एस एन जो होता है आपके पास, एस एन जो होगा, देखें एस एन आपके पास, यहाँ से मैं अगेन इसे कर लेता हूँ। देखें आपके पास क्या वैल्यू दे रखी है, आपके पास वैल्यू जो दे रखी है वो है, आपके पास जो वैल्यू दे रखी है वो देखिए कि आपको कह रहा है कि फिफ्थवा टर्म जो है ए प्लस फोर डी इज इक्वल टू माइनस थ्री है। क्लियर, ये दे रखा है डी इज इक्वल टू माइनस फोर है, डी इज इक्वल टू माइनस फोर है। तो आपने क्या किया यहाँ पर, ए माइनस इसकी वैल्यू जो मैं इसमें रखूँगा तो माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू माइनस थ्री, ये क्या है माइनस थ्री। जब माइनस थ्री हो जाएगा, जब इसे आप इधर लेंगे तो माइनस थ्री प्लस सिक्सटीन, तो यहाँ हो गया ए इज इक्वल टू थर्टीन, थ्री थर्टीन हो गया, सॉरी थर्टीन, ओके थर्टीन हो गया। यहाँ पर आपको ए की वैल्यू मिला। अब ए की वैल्यू को आपको करना क्या है, देखिए ए और डी आपके पास दोनों वैल्यू हो चुकी हैं, अब आपको एस एन लेना है। एस एन बराबर होगा एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, वैल्यू होती है। एन इज इक्वल टू आपको दे रखा है टेन, तो एन इज इक्वल टू आप टेन लगाएंगे, टेन बाई टू, यहाँ पर टू इन टू थर्टीन प्लस नाइन हो जाएगा, नाइन इंटू माइनस फोर, नाइन इंटू माइनस फोर, ओके। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ चुकी है, फाइव हो गया यहाँ पे, ये टू से कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइव हो जाएगा यहाँ पर आपका, हाँ ट्वेंटी सिक्स, और यहाँ पर हो जाएगा आपका थर्टी सिक्स, ओके। तो माइनस का टेन बचेगा, फाइव इंटू माइनस टेन, तो यानी कि माइनस का फिफ्टी, तो माइनस का फिफ्टी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये आपका टेनवे क्वेश्चन का जो आंसर है वो है माइनस का फिफ्टी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इलेवन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर इलेवन क्या है, सिमिलर क्वेश्चन है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सबसे पहला काम आपको करना ये है, देखिए उसी के तरीके का जैसे सेम क्वेश्चन था उसी के तरीके से ये क्वेश्चन है। आपको करना यह है कि इसमें फिफ्थ टर्म ऑफ ए पी ये दे रखा है आपको ट्वेंटी, सेवन टर्म ऑफ ए पी ये दे रखा है ना। अब आपको इन क्वेश्चनों को करना क्या, इनसे एक इक्वेशन बना लेना है, इक्वेशन बनाने के बाद है ना, इक्वेशन बनाने के बाद आप उसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं, चलिए कर देते हैं हम। देखें फिफ्थ टर्म क्या है आपके पास, फिफ्थ टर्म ऑफ ए पी ट्वेंटी दे रखा है, ए प्लस फोर डी इज इक्वल टू ट्वेंटी है, सिंपल। अब एक सेवंथ और इलेवंथ टर्म है ना, सम ऑफ सेवंथ और इलेवंथ टर्म, देखिए सम ऑफ सेवंथ और इलेवंथ टर्म का जो है सिक्सटी फोर दे रखा है। जब मैं देखूंगा सेवंथ और इलेवंथ टर्म का, देखो तो ए प्लस सिक्स डी है ना प्लस ए प्लस टेन डी, टेन डी इज इक्वल टू सिक्सटी फोर, ये हो गया। अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो टू ए प्लस सिक्सटीन डी इज इक्वल टू सिक्सटी फोर, दोनों से कॉमन लिया तो ए प्लस एट डी इज इक्वल टू यहाँ पर आया थ्री टू, ओके। ये टू का डिवाइड दे दिया मैंने यहाँ पर, ये वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यूओं से करना क्या है, इनको आप जो है सेकेंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो आपको जो माइनस करेंगे वो मिलेगा फोर डी इज इक्वल टू ट्वेल्व, ओके। डी से इसे काटा तो देखें डी इज इक्वल टू थ्री मिला, डी इज इक्वल टू थ्री मिला, पुट इन फर्स्ट किया इसको, पुट इन यहाँ पर रखूँगा तो ट्वेल्व हो जाएगा, ट्वेल्व को देखूंगा तो एट ए इज इक्वल टू एट मिलेगा, ए इज इक्वल टू एट मिलेगा। तो ए और डी की आपको वैल्यू है आपके पास, ए और डी की आपके पास वैल्यू है, तो कॉमन डिफरेंस बता दीजिए। कॉमन डिफरेंस तो आप सिंपल से जानते ही हैं, फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म जो होता है वो ए होता है, और कॉमन डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, डी होता है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्या है थ्री, तो थ्री यहाँ पर देख लीजिए इसका, सी इज द राइट आंसर, ओके, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पंद्रह मिनट एक क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। तो देखें कहाँ चल रहे थे हम, हाँ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पे चल रहे थे। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है आपका, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है कि थर्टीन टर्म ऑफ एपी है ना, थर्टीन टर्म ऑफ एपी फोर टाइम थर्ड टर्म, ठीक है, थर्ड टाइम फोर टाइम इट्स द थर्ड टर्म इफ इट इज द फिफ्थ टर्म इज सिक्सटीन, ठीक है,
देन द सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा आपको ये बताना है। देखें सिंपल सा है क्वेश्चन, बहुत ही इजी है। देखें 13 टर्म ऑफ एपी यानी एपी है ना, 13 टर्म यानी टी 13 ओके, फोर्थ टाइम इज थर्ड टर्म, तो देखें फोर्थ टाइम इज थर्ड टर्म टी 3 ओके, इफ इट्स फिफ्थ टर्म इज 16 है ना। तो देखें ये तो इसका इक्वल का फॉर्म दे रखी है ना, ये वाली वैल्यू हो गई यहाँ पर, ये तो दे रखा है इस तरीके से। अब आपको बताना क्या है, देखिए टी 15 जो दे रखा है उसने क्या दे रखा है आपको, टी 5 जो दे रखा है वो 16 दे रखा है ठीक है। अब इससे आपको पोजीशन बतानी है कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म का क्या होने वाला है। देखिए इससे एक इक्वेशन बनेगा, जैसे मैंने प्रीवियस बनाया था आपको पता ही है, इससे एक इक्वेशन बनेगा, इस इक्वेशन को बना लीजिएगा और इस इक्वेशन से इस दोनों को माइनस करके ए और डी की वैल्यू आपको फाइंड आउट कर लेनी है और सम वाले फॉर्मूले में रख देनी है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो आप कर सकते हैं है ना, अगर कोई डाउट हो तो मुझे आप बता सकते हैं। अभी मैं देख लेता हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको देख लेना है। देखिए इसमें क्या है, सिंपल सा है, लास्ट टर्म आपको दे रखा है, लास्ट का फॉर्मूला क्या होता है बताएं, 15 टर्म की बात कर रहा है ना, 15 टर्म की बात कर रहा है, के हैज द 15 टर्म इज द लास्ट टर्म इज, तो लास्ट टर्म क्या होगा, तो सिंपल सा है भाई, एल इजिक्वल टू होता है, एल इजिक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन और ये डी, तो एल हमें फाइंड आउट करना है लास्ट टर्म क्या होगा, तो ए आपके पास है 5, ए आपके पास है 5, एन की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 50, तो एक कम हो जाएगा यानी कि 59 हो जाएगा, और डी की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को माइनस कर दीजिए यानी कि 7 आएगा, तो यहाँ पर 7 आएगा इन टू में ओके। जब मैं इनका कैलकुलेशन करूँगा तो यहाँ पर आप देख लीजिए, और यहाँ 6 कैरी हो जाएगा, 7 का 28, 6 है 34, ये हो जाएगा, और जब इसे मैं कर 348 होगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, सम ऑफ 20 ऑड नंबर, तो ऑड नंबर आप जानते हैं क्या होता है, 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, और कितने 20 ऑड नंबर्स की बात कर रहा है, 20 ऑड नेचुरल नंबर, तो नेचुरल जो 1 से स्टार्ट होते हैं ये आपको पता ही होगा, तो देखें 1 मिनट, तो यहां पर अगर किसी को शो आउट नहीं हो रहा हो तो मैं यहां पर कर देता हूं, यहां पर मैं इसे इरेज कर लेता हूं, इरेज करने के बाद हम जो है इसे यहां पर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला क्वेश्चन हो गया ना आपका, तो यहां पर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, देखें क्वेश्चन नंबर 14 ये आपका सीक्वेंस हो गया, ये आपका सीक्वेंस हो गया, ये वाला ये आपका सीक्वेंस हो गया, इस सीक्वेंस को यहां देख लेते हैं, ये सीक्वेंस है 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ऑड नंबर ये होते हैं, ऑड नेचुरल नंबर, तो अब मुझे क्या करना है, 20 ऑड नंबर्स का सम बताना है, तो n इज इक्वल टू आपको 20 है, a इज इक्वल टू 1 है, d इज इक्वल टू की बात करेंगे तो आपको 2 है, क्लियर, यहां पर इस तरीके से आपको ये मिल चुके हैं, तो अब आपको क्या लगाना है, n इज इक्वल टू 20 है, तो यहां पर आपको फॉर्मूला लगाना है, कौन सा सम वाला का क्वेश्चन हो गया, Sn इज इक्वल टू, सम पूछ रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स पूछ रहा है, तो Sn इज इक्वल टू होता है n बाई 2, 2 इंटू 1 प्लस एन माइनस 1 यानी कि 19 हो जाएगा, और डी इज इक्वल टू 2 ये हो गया, तो यहाँ पर मैं इसे जो आपको कैलकुलेट करूंगा तो 10 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 38 हो जाएगा, तो यहाँ 40 हो गया, 40 का इंटू जब मैं इससे करूंगा तो 400 हो जाएगा, 400, तो 400 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो ये आ जाएगा ओके। तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन कर लेना है, इसका सिक्वेंस मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है, तो 6 से डिविजिबल हो, इससे हो 6 से डिविजिबल, तो पहले 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 और इसी तरीके से ये चलता जाएगा ठीक है, तो यहाँ पर इसे इस तरीके से आपको इसको कर सकते हैं, कितने होंगे इसमें 40 टर्म होंगे, यानी कि इस सीक्वेंस को, इस क्वेश्चन को आप सेल्फ करिएगा, ये वाला क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जिसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, मैंने आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन करने के लिए दिए हैं, एक ये वाला 15 और एक आपको 12, ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़े हैं, ये आपको करने हैं ठीक है, और जो भी अगर आपको कोई इशू होता है इससे रिलेटिव तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं,
सेम क्वेश्चन ले लिया भाई, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 15 पीछे है प्रीवियस, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखें हाउ मैनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, तो टू डिजिट नंबर, तो टू डिजिट नंबर कहाँ से, 12 हो गया 15 हो गया, ये जो है 3 से डिविजिबल है, ठीक है। 18 हो गया, अब यहाँ पर 21 हो गया, 24 हो गया, डॉट डॉट डॉट, तो कहाँ तक चलते हैं, 99 तक चलते हैं, क्लियर है, 99 तक होते हैं टू डिजिट नंबर। तो देखें L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, तो हमें इस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n L इज इक्वल टू 99 होगा, A इज इक्वल टू 12 होगा, प्लस n माइनस वन और d की वैल्यू जो है वो 3 होने वाली है। तो 99 इज इक्वल टू 12 प्लस 3 n माइनस 3, तो यहाँ पर हो गया 99 इज इक्वल टू, आप देख लेंगे यहाँ पर कि मैंने 3 माइनस किया तो 9 हो गया प्लस 3n, 9 को मैंने माइनस किया 90 हो गया 3n, ओके 3 से ये गया तो 30 टर्म होंगे, कितने होंगे, n इज इक्वल टू 30, 30 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। अब देख लेते क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि थ्री डिजिट नंबर, सेम क्वेश्चन भाई सेम, इसमें टू डिजिट थे, इसमें 3 डिजिट है, ये भी आपको करना है, ठीक है, ये आपको सेल्फ करना है, तो मैं रिंग कर रहा हूँ वो सेल्फ करना है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस एपी, इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, सिंपल सिंपल भाई। देखें आपके पास क्या है यहाँ 18 टर्म, तो 18 टर्म को हम कहते हैं क्या, ए प्लस 17 डी, ए प्लस 17 डी माइनस ए प्लस ए माइनस, यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस आपका 17 था ना, यहाँ पे 17, 18 टर्म था 17 हो गया, यहाँ पर 13 हो जाएगा 13 डी, ठीक है, प्लस होता है तो माइनस हो जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 32, क्लियर। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये जाएगा तो 4D बचेगा, क्या बचेगा 4D इक्वल टू, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, D इक्वल टू 8 आ जाएगा, 8 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन को देखें, सेम क्वेश्चन है, nth टर्म ऑफ AP, यानी nth टर्म फाइंड आउट करना है, जबकि इसकी वैल्यू प्रॉपर्टी यहाँ पर दे रखी है, तो A यहाँ से आपको मिलेगा, A यहाँ से मिलेगा, D यहाँ से मिलेगा, सेल्फ करिएगा भाई, देखिए A यहाँ से मिलेगा, D यहाँ से मिलेगा आपको, D यहाँ से मिलेगा, और दोनों से लेकर आप n टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 20 क्वेश्चन को देख लेते हैं, 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस द टर्म ऑफ AP है ना, जीरो, जीरो कौन सा टर्म होगा ये हमें बता देना है। सिक्वेंस हमें दे रखा है 72, 63 और 54, तो A इज इक्वल टू 72 है ना, A इज इक्वल टू 72, अब आपका क्या है D, तो D क्या होगा, ये हो जाएगा D, यानी 82 माइनस 81 होता है, इससे जब मैं माइनस करूंगा इसे, देखें तो माइनस करने पर आपको 7 देखिए माइनस का 9 मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस का 9 मिलेगा, जब आपको A मिल चुका है और माइनस 9 D मिल चुका है, ये D मिल चुका है, तो आपको 0 लास्ट टर्म रहेगा, क्या रहेगा 0। अब N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जब N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो L इज इक्वल टू होता है, L इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन और D, ठीक है। तो L अब यहाँ देखेंगे आपका L क्या है 0, A की वैल्यू है आपके पास 72 प्लस एन माइनस वन और माइनस का 9, ये आपका D है, 0 इज इक्वल टू 72 माइनस 9n, ओके माइनस माइनस प्लस 9, तो जब मैं इसे ऐड करूंगा तो 81 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 81 इज इक्वल टू 9n, तो 9 से ये जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो n इज इक्वल टू 9, तो 9th में टर्म की जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, आपको 9th में टर्म की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, देखिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए और बताना है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, इसमें से फर्स्ट नेगेटिव टर्म आप देख लें, यहाँ पर देखिए सीक्वेंस आपको दे रखा है 25, 20 और 15। अब आप कॉमन सेंस देखिए कि यहाँ पर आपको 5 का डिस्टेंस दे रखा है, क्या दे रखा है 5 का डिस्टेंस दे रखा है, देखिए 0 के आप नज़दीक हैं तो आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 0 के आप नज़दीक हैं तो कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, माइनस 5, तो फर्स्ट 5, 6 और 7, यानी 7th का टर्म जो होगा वो फर्स्ट टर्म होगा, तो इसे कर सकते हैं, इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, आपको कोई लेंथी बनाने की इसको कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए 210वां टर्म जो होगा वो कौन सा होगा, सिंपल अभी ये क्वेश्चन कराया था प्रीवियस में, वो आप कर सकते हैं, तो लास्ट टर्म आप इसे रखेंगे
है ना। तो ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज करेंगे तो यहाँ पर होगा 210 है ना, 21 यहाँ पर हो जाएगा प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू अगर बात करेंगे तो 42 माइनस 41 करेंगे तो यहाँ 21 आ जाएगा। देखिए 42 माइनस 21 करेंगे तो आपको 21 ही मिलेगा, ये मैंने यहाँ पर रख दिया डी की वैल्यू। अब इन्हें कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर हो गया 21 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 21 एन हो जाएगा माइनस 21 हो जाएगा, 21 से 21 कैंसिल आउट होगा, ये 10 टाइम इससे कट जाएगा, तो 10th वा टर्म जो होगा वो होगा आपका ये। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है आपका ये वाला, तो ये आप खुद करेंगे। ओके, अभी हमें बताना है क्या है, इस सिक्वेंस का सम बताना है। इस सिक्वेंस के सम बताने के लिए देखिए आपको एस एन चाहिए, तो एन आपके पास नहीं है, एन आपके पास नहीं है, तो फर्स्ट जो आपकी वैल्यू होगी वो रहेगी आपको एन फाइंड आउट करना। तो आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले एन फाइंड आउट कर लेना है। तो जब मैं एन फाइंड आउट करने के लिए चलूंगा तो देखें मेरे पास क्या है, लास्ट टर्म दे रखा है 181। ओके, ए आपके पास 5 है ही है, प्लस एन यहाँ पर नहीं है, और डी आपके पास जो होगा वो होगा 8। क्या होगा 8, तो 181 इज इक्वल टू 5 प्लस यहाँ पर 8 एन माइनस 8, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 3, तो 184 8n है भाई ये n, तो 8 से इसे कैंसिल आउट करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 और 3, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू आपको मिलेगा 23, n इज इक्वल टू क्या मिलेगा 23। अब जब आपको 23 मिल चुका है तो आपको इसको कैलकुलेट कर लेना है और क्वेश्चन को कर देना है। क्वेश्चन किस तरीके से होगा देखें, और अगर आप इस तरीके से n फाइंड आउट नहीं करना चाहते तो इसके लिए भी आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर देखें एन वाई टू ए प्लस एल, यानी फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म होगा, तो आप एन क्या है देखिए 23 और यहाँ पर है 2, ए आपके पास 5 है और यहाँ पर लास्ट टर्म है 181। ओके, ये हो गया 23 बाई 2 इंटू 186, तो ये होगा 186 को आप जब कैंसिल आउट कर लेंगे, 186 को आप कैंसिल आउट कर लेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो रहेगी, 186 को आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो मिलेगी आपको देखें 186 डिवाइड बाय 2, और ये हो गया इनटू आपका 23, ये आ गया आपका 2139 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि डी वाला जो है इसका राइट आंसर रहेगा। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये डी वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, ये रहेगा। अब देख लेते हैं आपका 16वां, तो सम ऑफ 16 टर्म क्या होगा, देखिए सम ऑफ 16 टर्म कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, एस एन इज इक्वल टू होता है 16 टर्म का सम पूछ रहा है, तो 2 इंटू 10 प्लस 15 डी, तो डी की वैल्यू जब देखेंगे 6 माइनस 10 करेंगे तो माइनस का 4, ये वैल्यू आपके पास आए, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 20 माइनस 16, ये हो गया। जब मैंने इसे किया तो 8 इक्वल टू माइनस का 40, और 40 करेंगे तो माइनस 320 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी, ये है विल टेक द सम ऑफ दिस, यानी कितने नंबरों का सम ये होगा ये हमें बता देना है, कितने टर्म्स का सम जो होगा वो ये होगा। तो निकाल लेते हैं एनएफ, देखिए जो आपको दे रखा है तो क्या दे रखा है आपको, सम दे रखा है, तो एस एन इज इक्वल टू होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, क्लियर। आपको एस एन दे रखा है यानी 406 आपको ये दे रखा है, एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, टू ए टू इंटू थ्री तो ये 6 हो गया, प्लस एन माइनस वन यानी कि फाइंड आउट करना है, और डी आपको क्या मिलेगा 4, डी आपको मिलेगा 4। देख लेते हैं, जब मैंने इसका मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो रहेगी 812, और यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या होगा एन 6 प्लस 4 एन माइनस 4। ओके, 1 ये होगा, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई मैं इसके अंदर करूँगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, और 2 का मल्टीप्लाई किया तो देखें यहाँ पर मिलेगा आपको 4n स्क्वायर प्लस 2n। ओके, ये वैल्यू मिलेगी। अब आपको यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद उसके फैक्टर करेंगे
फैक्टर करने पर आपको एन की जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो ले लेनी है ना, एन की जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो ले लेनी है, वही आपका आंसर होगा। नंबर 30 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, बाकी सेम क्वेश्चन है, आप करिएगा, जो अगर कोई डाउट आपको बता दूंगा। देख लेते हैं सेवंथ टर्म, देख लेते हैं सेवंथ टर्म क्या कह रहा है। देखें सेवन टर्म ऑफ ए पी 4 है, तो ए प्लस 60 इज इक्वल टू 4 दे रखा है और कॉमन डिस्टेंस दे रखा है आपको -4। तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन वही है जो प्रीवियस करा के चुका हूँ, 16 × -4 किया तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर मैंने किया a प्लस a माइनस 24 इज इक्वल टू 4, जब मैंने किया तो a इज इक्वल टू 28 मिलेगा, यानी कि फर्स्ट टर्म हमें मिल चुका है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या था -4, तो d इज इक्वल टू था -4 और फर्स्ट टर्म हमारे पास है 28। अब क्या करना है हमें जो है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, ओ फर्स्ट टर्म ही बताना, तो 28 होगा, d इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, d इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस, जो कि इनमें थोड़ा सा एरर भी रहा कहीं कहीं, तो वो कोई नहीं, वो तो आगे की वीडियोस में उसे मैं सही तरीके से रिप्रेजेंट कर दूंगा, कोई बड़ा इशू नहीं। तो ये 30 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके क्लास के लिए, यानी कि ये क्वेश्चन आपको करने ही हैं, विद प्रैक्टिस आपको इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है और इनके हर एक कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। इसी तरीके से आप हमारे चैनल पर इस क्वेश्चंस पा सकते हैं 10th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और हाँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको प्रीवियस सारी की सारी वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।